प्रेस का तो काम है, हम दिखाएंगे, हमारे को तो आना पड़ेगा। मैडम से आपकी बात हुई है, परमिशन की बात की है मैडम ने? मैम बात क्या कर रही है, मैम तो अपना ऑर्डर सुना रही है मुझे। तो उनका स्टेटमेंट है, हमारे ऊपर पॉलिटिकल पार्टियों का प्रेशर बनाया, किसी ने फोन करके बुलाओ यहाँ से हटाओ, मारपीट करो। फिर जो हमारे ऊपर मारपीट हुई है वो आपको वीडियो शेयर करूंगा, वो आप फैलाओ उसको, उसमें स्क्रीन में एंड जो शुरुआत स्क्रीन में एंड लगाओ, एंड स्क्रीन लगाओ, वो वीडियो देखो, हकीकत क्या है, हमारे साथ क्या हुई। अभी तक कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी बात करने के लिए नहीं आया है। हाँ तो जो भी मतलब उनको नहीं बैठने नहीं, नहीं, एक बात बताओ, आप यूसुफ के प्रेसिडेंट आ रहे हैं तब कॉलेज प्रिंसिपल आके बात करने को तैयार है, यहाँ जब भी यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, यहाँ जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं उनसे बात करने को क्यों तैयार नहीं है? सोमवार को मैडम बात किया था, सोमवार को बात नहीं किया था मैडम, सोमवार हो जाएगा, यहाँ से हटेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए सर, हम तो जान देने के लिए हाजिर है, हम पूरी तरह लोगों के साथ थे, कल तक भी पूरी तरह कोऑपरेट किए की बात करी है आप लोगों ने, लेटर दिया कल 4 घंटे बाद भी पूरी मांग पूरी नहीं हुई है, आप माइक दिखाना, माइक आपके प्लेटफॉर्म उनको बुलाओ, हमारी मांगों को और आगे बढ़ाओ, देश दुनिया में फैलाओ, संसार में फैलाओ, सत्यवती नाम की भी ऐसा उनके साथ हो रहा है, 5 दिन से 4-5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे लड़के परेशान हो गए, देख लो हमारी हालत कैसी है, यही पे लेट रहे, मच्छर काट रहे, कोई बात है इस पर शब्द में बोल रहा हूँ, 5 दिन से या फैन हॉल में सो रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, कोई हमें पूछ सर ये बताइए कि आपकी प्रिंसिपल इनसे बात करने नहीं आती है, लेकिन मैं आ रही हूँ तो मुझसे फोन पे बात करके वो कह रही है कि आप कैसे इनकी बात सुनने आ गई है, तो आपके पास परमिशन कहाँ से मिली, तो परमिशन प्रेस कहाँ से परमिशन लाएगा ये तो उनके प्रेस से आप परमिशन कैसे पूछ सकते हैं, प्रेस कहाँ से परमिशन लाएगा, प्रेस का तो काम है, हम दिखाएंगे, हमारे तो आना पड़ेगा। मैडम से आपकी बात हुई है, परमिशन की बात की है ना मैडम ने? मैम बात क्या कर रही है, मैम तो अपना ऑर्डर सुना रही है मुझे, तो उनका स्टेटमेंट है, उनकी स्टेटमेंट को मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, मेरी बात है, मैम ने व्हाट्सएप पे लिखा है कि 6 दिन से बात क्यों कर रही है, वो यहाँ पे आके मेरे सामने बात कर रही है, मैं अपना प्रेस कार्ड दिखाऊंगी, चैनल भी बताऊंगी, अब हकीकत क्या है क्या नहीं है इसके बारे में मैं कोई पर्दाफाश नहीं, लेकिन रिटर्न में सब दिया, वीडियो भी सारे पूरे कॉलेज के सारे स्टूडेंट के लिए उन्होंने एक मैसेज वीडियो बनाया है, शॉर्ट वीडियो बनाया सारे इनके ग्रीवेंसेस को लेकर के उसी पर, ताकि सारे बच्चे जो असलियत को जान सकें, वो स्प्रेड कराया गया। जब उन्होंने एक वीडियो मैसेज दिया तो आप लोगों को समझ में आया कि वो मुझसे ये कह रही है फोन पे ये कह रही है कि आपको मालूम है उन्होंने, लेकिन हकीकत में मांगे नहीं सुनी, जो मांग ये थी कि आप फीस कितनी कम करोगे, वो एक नोटिस लिखा के दो कि सभी स्टूडेंट तक पहुंचाओ, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा फीस कितनी, ये बोल रहे हैं किसी भी की मीटिंग होनी देन उसके बाद डिसाइड, लेकिन आराम से करो, हमें कोई किसी भी प्रकार की प्रिंसिपल साहिबा मुझसे ये कह रही है फोन पे कि मैडम आपको मालूम है जो आप वीडियो बनाने आ गई कि फैसिलिटीज क्या क्या हमने दी हुई है, आपने वो देखा, लेकिन आप उनसे बात करने आ गई, वो जो बता रहे हैं आप उनसे बात कर रही है, तो बताइए नहीं उनका क्या स्टेटमेंट, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो ये इनकी बात कर रहे हैं मैं उतनी तक ही सीमित हूँ, जो लेटर है उससे तक सीमित हूँ, अभी जैसे ये कर रहे हैं कि कल इन्होंने आश्वासन नहीं दिया, ये कर रहे हैं कि प्रिंसिपल को ये बताना चाहिए कितना फीस कम हो रहा है, कितना कर रहे हैं, फीस का मुद्दा क्योंकि गवर्निंग बॉडी में ही अप्रूव हुआ है, गवर्निंग बॉडी ने सारे फीस को स्ट्रक्चर को देख करके एनालिसिस करके फीस को बताया है कि इतनी फीस होनी चाहिए, अब ये मैटर जीबी ही इसको रिव्यू कर सकती है और प्रिंसिपल के हाथ में नहीं है, उनकी परव्यू का मैटर ही नहीं रह गया, ऐसा क्यों हो रहा है कि वो समझा नहीं पा रही है इन लोग, इसमें लिख करके दिया गया, ओरली कहा गया, बार बार कहा गया, लिख करके कहा गया कि हम जीबी की मीटिंग बुला करके जीबी का जो चेयरमैन होता है चेयरमैन ही, क्या आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रही है, बात है हम समझने को भी तैयार हैं, लेकिन प्रिंसिपल मैडम मोटिवेटेड बोल रहे हैं, कौन ये क्योंकि ये इनकी सारी डिमांड मांगने के बाद भी नहीं उठने वाले इस तरह से हैं, क्योंकि सर डिमांड हमारी, हमने सब प्रोटेस्ट किया उसी रात को एक नोटिस निकाला कि जब तक ये हमें डिसाइड करके नहीं बताए फीस कितनी कम होगी तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, पहली बात, दूसरी बात हमारे ऊपर पॉलिटिकल पार्टियों का प्रेशर बनाया, किसी ने फोन करके बुलाओ यहाँ से हटाओ, मारपीट करो, फिर भी नहीं हटे, सेकंड बात अगर कुछ भी हो जाए मरने के लिए तैयार है, अगर भूख हड़ताल पे हमारे 3 साथी यहाँ बैठे मरने के लिए तैयार है, मारपीट हो जा रही है, ये क्यों हो रहा है,
ये आपस में इन लोगों का मुद्दा है, हम क्योंकि मुद्दा बता रहे हैं आपस में। आपको मैं वीडियोस भेजूंगा जो हमारे हमारे ऊपर मारपीट हुई है, वो आपको वीडियो शेयर करूंगा, वो आप फैला उसको उसमें स्क्रीन में एंड जो शुरुआत स्क्रीन में एंड लगाओ, एंड स्क्रीन लगाओ, वो वीडियो देखो हकीकत क्या है, हमारे साथ क्या हुई, और अभी भी आपको लाइव दिखा सकते हैं लोगों को कैसे मार रहा है, उनके अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं है। और लड़कियों को बेल्ट से पीटा गया है कि आपसी मुद्दा है आप लोगों का? नहीं नहीं, आपसी मुद्दा नहीं है, कोई आपसी मुद्दा नहीं है, आउटसाइडर बुलाए गए हैं, द्वारा बुलाया गया है, अंदर से बोला कि पॉलिटिक्स पार्टी आओ और इनको जैसे तैसे, इनके अंदर जो जोश है, इनकी ताकत है, उन ताकत को जैसे तैसे काट दिया जाए और दबाने की कोशिश की गई है कुल मिलाकर। लेकिन दोस्तों मैं आपको खुला कह रहा हूँ, प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी। हम यहीं बैठे हैं, कहीं नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की परेशानी, कोई प्रिंसिपल मैम नहीं आएंगे तो हम यहीं बैठे रहे। आने वाला सोमवार देखिए हमारी जो स्टेटमेंट था हमने दे दिया, ओरली दे दिया, रिटर्न में दे दिया, वीडियो भी मैसेज दे दिया। सर किस पद पे हैं आप यहां? मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूं कॉलेज का। ठीक, क्या नाम है सर? सुनील चौबे। मैं इवनिंग कॉलेज का प्रशासन तो अभी तक बात करने तक भी नहीं आया, ये काफी हाँ, तो इवनिंग कॉलेज में तो कोई भी इवनिंग मॉर्निंग कॉलेज दोनों अलग अलग है, दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, और अभी तक हम भी हमारा भी फीस बढ़ाया गया है, बट अभी तक कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी बात करने के लिए नहीं आया है, और हम फिर भी बैठे हैं और बैठे रहेंगे आगे। तो ये सुनील चौबे थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है कॉलेज के, डीयू प्रशासन से इनको वो जो बोला गया है कि भाई इनसे बात करो, तो वो बात करने आए थे बाहर में, बल्कि मेरे को ही रोकने के लिए आए थे। आपको मैं बता दूं, प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल का कॉल आ जाता है मेरे पास और वो बोलती हैं कि आपको किसने परमिशन दी कि आप अंदर एंट्री करके इनसे बात करें, क्या आपको मालूम है? वो प्रिंसिपल का कहना है कि क्या आपको मालूम है, मुझे कह रही हैं कि इन छात्रों के लिए हमने क्या फैसिलिटीज़ की है, आप यहाँ पर कवर करने कैसे आई? तो आप ये देखिए कि डीयू प्रशासन जो है वो चुप है, डीयू का ये दिल्ली विश्वविद्यालय का सत्यवती कॉलेज है और उसकी प्रिंसिपल साहिबा मुझसे फ़ोन पर बात करती हैं लेकिन सामने नहीं आती हैं। जब मैं अंदर जा रही हूँ तो बात कर सकते थे, लेकिन फ़ोन पर ही बात करनी उन्होंने सहज समझा। तो ये है ढांचा और ये है स्ट्रक्चर और ये है वो स्टूडेंट जो लगातार यहाँ 5 दिन से बैठ रहे हैं और इनकी आवाज़ें दबाने की कोशिश की जा रही है लगातार। तो ये है सच्चाई इस विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज की। तो ये देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, दिल्ली विश्वविद्यालय, सत्यवती कॉलेज, दिल्ली।